संतों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन का विरोध ये संत कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे संतों ने बैठक भी बुलाई है, तो संतों का विरोध शुरू हो चुका है और विरोध को देखते हुए 3 बजे संतों ने आपसी बैठक बुलाई है। महंत नित्य गोपाल दास के आवास पर यह बैठक होनी है 3 बजे। तो बड़ी खबर आपको अयोध्या मामले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां महंत नित्य गोपाल दास के आवास पर आज ये बैठक होनी है, 3 बजे बैठक होगी, जहां संत लोग मिलके इस पे विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और सरकार के विरोध में संत करेंगे ये आंदोलन। तो आज 3 बजे बैठक होनी है, महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। नहीं, इस संबंध में वो किसी से जुड़े नहीं थे, मतलब इसके आंदोलन से तो नहीं जुड़े थे, लेकिन वो सरकार की दृष्टि में वो लगा कि इनको इसमें करना चाहिए। हाँ, राजनीति में वो बसपा के यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े हैं, तो राजनीति में वो थे ही, लेकिन राजनीति ये, जबकि सरकार ने कहा है कि राजनीति कोई नहीं रहेगा, फिर भी उनको किया गया है। अब वो यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार की दृष्टि में वो अच्छे लगे, सरकार की दृष्टि में उनको कहा गया कि भाई ये इसमें जोड़ा जाए, इसलिए जुड़े उन्होंने। हमारे सारे अयोध्यावासी इस ट्रस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस ट्रस्ट में सर्वथा हमारे वैष्णव समाज का अपमान किया गया है। जिन महापुरुषों ने प्रारंभ से लेकर के राम जन्मभूमि के आंदोलन को चलाया, सारी कुर्बानी दी, उनको ट्रस्ट से एकदम दूर रखा गया है। कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने, जिनका राम जन्मभूमि से कुछ लेना देना नहीं है, कभी कुछ नहीं किया, चाहे अमित शाह हो या कोई भी हो, उन्हीं लोगों को आगे किया गया है। हम सारे अयोध्यावासी इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन करके, और इसका पुरजोर खूब ढंग से विरोध करेंगे। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ आदित्य त्रिवेदी हमारे साथ लाइव बने हुए। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि संतों का विरोध शुरू हो गया, आज 3 बजे बैठक होनी है, क्या कुछ कह रहे हैं संत? देखिए, कल जब एक पूरी समिति का निर्णय लिया गया और उसको जब पूरी लिस्ट सामने आई, उसके बाद से तुरंत ही उत्तर प्रदेश सरकार ने नित्य गोपाल दास का जो आवास है, जो उनका आश्रम है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। ये आभास था सरकार को कहीं ना कहीं कि यदि उनका नाम नहीं होता है तो स्वाभाविक तौर पर संतों के बीच में नाराजगी होगी, जो आज सामने भी आ गई है। बैठक अयोध्या में चल रही है। नित्य गोपाल दास के जो बहुत ही खास संत हैं नयन दास जी, महंत नयन दास जी, उन्होंने मीडिया से बिल्कुल खुलकर बोला हुआ है इस बात को कि उनको दरकिनार किया गया है। जिन लोगों ने संघर्ष किया था अयोध्या मुद्दे पर, बाबरी विध्वंस के समय पर जिन्होंने संघर्ष किया था, उन सभी को दरकिनार किया गया है। ये अपमान है संतों का और उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर के 3 बजे एक प्रेस वार्ता होगी। फिलहाल महंत नित्य गोपाल दास के यहाँ पर बैठक चल रही है। हालांकि सरकार का इस पूरे मसले पर ये दलील है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए उनको जो समिति बनाई गई है, जो ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जी पूजा, पर संत विरोध कर रहे हैं और खबर ये भी सामने आ रही है, आपने कहा मीटिंग चल रही है, पर 3 बजे भी कुछ बैठक होनी है क्या? देखिए, कल जैसे ही अपने अपने सोर्सेस से जानकारी हुई संतों को कि क्या नाम है क्या नहीं है, तो उसके बाद से विरोध के स्वर बढ़ना शुरू हुए थे। जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि रामचंद्र भूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं महंत नित्य गोपाल दास, उनका नाम ही नहीं है लिस्ट में, उस कमेटी में, उस ट्रस्ट में, तो उसके बाद से अयोध्या में नाराजगी का जो एक चर्चा थी, जो चीज़ थी, वो खुलकर सड़कों पर आना शुरू हुई। बैठकों का दौर शुरू हुआ जो लगातार अभी भी जारी है। 3 बजे लगभग एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, नित्य गोपाल दास के आश्रम में ही होनी है, उन्हीं के आवास पे होनी है। सभी संत जो उनको मानते हैं उनके यहाँ एकजुट हो चुके हैं, कल से ही उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया था और अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं उनके साथ लगातार वो व्यक्त कर रहे थे। आज वो खुलकर बोलने को भी तैयार हो गए, बोल भी रहे हैं कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो उन्हें नामंजूर है। जी जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप बने रहे क्योंकि अयोध्या से इस वक्त हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। सत्य, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से संत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से कल देर शाम जो है ट्रस्ट के में जो नामों की घोषणा जैसे सामने आई है, लोग
कई नाम जो और कयास लगाया जा रहा था कि अयोध्या के प्रमुख संतों को रखा जाएगा क्योंकि राम मंदिर आंदोलन शुरू से जुड़े रहे हैं और राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं काफी लोगों ने बलिदान भी दिया है। इसको लेकर अगर अयोध्या के संतों को नहीं रखा गया तो उसको लेकर काफी संत नाराज है। कई बड़े संगे उसमें रणनीति तय करेंगे कि आगे के क्या मार्ग हो सकता है, लेकिन जितना से देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है एक आंदोलन का रूप भी तैयार किया जा सकता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन होगा और उसके बाद फिर ये रूप रेखाओं बदल सकती है। और माना जा रहा है कि बैठक में ये भी तय हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है कोर्ट का सहारा भी दिया जाए। जी तो कितनी भारी तादाद में कितनी संख्या में ये संत जो है वो एकजुट हुए हैं, क्या कुछ इनकी संख्या रही होगी? अभी तो संत कभी बिखरना शुरू हुए हैं लेकिन मुख्य लोग अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष हैं महंत गोपाल दास जी, दिगंबर अखाड़ा के महंत और लगभग कई संत यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं और लगभग 100 से अधिक संतों को अगर एकजुट हो सकते हैं और अभी थोड़ी देर में लगातार संतों का आना प्रक्रिया जारी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सप्ताह निकल के सामने आएगा कि विरोध में कौन कौन है और किस तरह का विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल संत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और इसी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य भी हमारे साथ बने हुए। आदित्य, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके से संत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना भारी गुस्सा दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं क्या? देखिए, जो बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे खासतौर से श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के लोग और आम पब्लिक भी इस चीज़ को समझ रही थी, हिंदूवादी संगठन भी इस चीज़ को मान के चल रहे थे कि हर हाल में महंत नृत्य गोपाल दास को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी, मतलब एक सामान्य सी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद लगाए बैठे थे। उनकी उम्मीद तो ये थी कि जो भी ट्रस्ट बनेगा राम जन्मभूमि से संबंधित उसमें उनको चेयरमैन बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कल जब एक ट्रस्ट के नामों के घोषणा हुई और उसके बाद से जो उन लोगों को निराशा हाथ लगी, उसके बाद से अब वो आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। जिस तरह से कल से गतिविधियां चल रही हैं और सरकार ने भी आर पार की उनकी लड़ाई के मूड को संभालते हुए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कल से ही काफ़ी सख्त कर दी थी। हालांकि कल इस बात की भी चर्चाएं हो रही थी इसी वक्त, लगभग सुबह के वक्त जब पार्लियामेंट में समिति के बिल बना करके पास किया जा रहा था, तब यहाँ पर लोग आकलन लगा रहे थे कि आज शाम तक हर हाल में महंत नृत्य गोपाल दास योगी से मिलेंगे और कुछ आपस में चर्चा करेंगे। लेकिन वो शाम होते होते वो सारी चीज़ों का पानी फिरा और जो उनके समर्थक हैं या जो उनको मानने वाले हैं या जो उम्मीद लगाए बैठे हुए थे वो निराशाजनक अवस्था में हैं और उनका ये मानना है कि अब वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, वो मोर्चा खोल लेंगे और सरकार को कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य बैठाने की कोशिश करनी होगी, वरना ये तय है पूजा कि वो कोर्ट जाएंगे, निश्चित जाएंगे। एक आस लगाई थी नृत्य गोपाल दास को, एक अहम जगह मिलेगी, जगह ही नहीं बल्कि एक अच्छा पद मिलेगा, पर ऐसे में उनके हाथ में बस निराशा ही लगा है। तो जाहिर सी बात है कि वो आंदोलन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं, पर वजह जो मुख्य है क्या कुछ निकल के सामने आया? आपने कहा कि उम्र भी हो चुकी है नृत्य गोपाल दास की, तो इसका जो मुख्य वजह है क्या वजह माना जाए कि जिस वजह से नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह नहीं मिली है? देखिए, बजेगा तो अभी बहुत ज्यादा तस्वीर कोई खास साफ नहीं हुई है पूजा, लेकिन जी बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ छत्रपाणी महाराज जी जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे कि क्या वजह छत्रपाणी महाराज जी बताई जा रही है नृत्य गोपाल दास जी को ट्रस्ट में जगह नहीं मिली, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया है बिल्कुल डमी ट्रस्ट बनाया है जी। आप देखो जो पक्षकार थे हिंदू पक्षकार उनको तक नहीं जोड़ा है, जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं उन पे नहीं जोड़ा है। अब आप जरा सोचिए कि मोदी जी कहते हैं कि 75 साल के बाद राजनीति में भी नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर 92 साल के उनको अध्यक्ष बना दिया। इतने आप बताओ, राम मंदिर बनाने का काम ऊर्जावान लोग करते हैं, ऐसे लोगों को जोड़े जाना चाहिए जो पक्षकार हैं, पक्षकारों के प्रतिनिधि होने चाहिए, लेकिन सबको धत्ता बता दिया। तो निश्चित रूप से इसमें सत्ता का अहंकार दिखाई दे रहा है इस ट्रस्ट में, क्योंकि देखो मैं भी पक्षकार था, मेरा अपील नंबर 26-36 था, लेकिन सरकार आप पक्षकारों के लड़ाई के बाद ही ये निर्णय आया था, लेकिन सरकार ने एक बार भी पक्षकारों को बुला के उनको सलाह मशवरा नहीं किया, एक बार भी बुला करके उनको धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन बस रंग लगे न फिटकरी इंग लगे न फिटकरी रंग चोखा, बस सरकार ने सिर्फ राम मंदिर को लेकर के अपनी फायदा देखा, बेनिफिट देखा, राजनीतिक लाभ देखा। और आप देखो कार्यालय भी आज ऐसे जगह बनाए,
1600 करोड़ का तो बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय है वहां पे बना दिया, और राम मंदिर का कार्यालय कहाँ बनाए, किसी के घर में बनाएगा दिवंगता के। तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, जिस भगवान राम पे पूरे देशों की आस्था है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं हिंदू महासभा में पूरे हिंदू महासभा भवन देता हूँ, यहाँ कार्यालय बनाओ, या कोई भी ऐसे जगह सार्वजनिक जो हिंदू मंदिर हो या हिंदू आश्रम हो, या ऐसे जगह बनाना चाहिए जहाँ पे लोग आसानी से आ जा सके। जी लगता है संपर्क टूट गया, पर बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रस्ट में जिन जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया उसमें एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, नित्य गोपाल दास, जिसको लेकर संतों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज 3 बजे मीटिंग होनी है, पर मीटिंग के बाद ही ये देखा जा सकता है कि संतों का क्या कुछ आग्रह है सरकार से। और जिस तरीके से महाराज जी का नाम सामने नहीं आ रहा है, वैसे ये चीजें सामने आ रही है कि लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हैं।